हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा रीजन होता है हेयर वॉश। हम में से बहुत सारी गर्ल्स और लेडीज को ये पता ही नहीं होता है कि हेयर वॉश करने का सबसे अच्छा तरीका या सही तरीका क्या होता है, और हम जो गलतियां करते हैं उसके पूरा असर हमारे बालों में दिखाई देता है, और हमारे बालों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हेयर फॉल होता है जिसकी वजह से हम गंजेपन का भी शिकार बहुत सारे लोग हो जाते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि हेयर वॉश करने का यानी कि बालों को धोने का एकदम सही तरीका क्या होता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बालों से जुड़ी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँ तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अगर आप लोगों से अपने बालों की लेंथ की बात करूं तो मेरे बाल कुछ इतने लंबे हैं, यू कैन सी। और क्या आपको मेरे बालों में कुछ बहुत चमक या शाइन या स्मूथनेस दिखाई दे रही है? मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी, सिल्की हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने इनको कल ही एक ट्रीटमेंट दिया है, एक स्मूथनिंग प्रोसेस किया था मेरे इस बालों पर और एक पैक अप्लाई किया है। तो अगर आप घर पर अपने बालों को बहुत ही अच्छा सा बालों की स्मूथनिंग करना चाहते हो या अगर अपने बालों में से फ्रिजनेस को हटाना चाहते हो तो वो वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में और एंड स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, तो वो वीडियो मेरा ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसी वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो मैं आज आपको केवल बताने वाली हूँ कि आपको हेयर वॉश करने का एकदम सही तरीका क्या होता है, किस तरह से आपको हेयर वॉश करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम ना हो और आपके बाल एकदम हेल्दी रहें। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ में पसंद आ जाए तो लाइक भी दबा दीजिए। आप लोग और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो हेयर से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि है प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे, उसे डायरेक्ट मैसेजेस पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है और अब आप लोग मुझे इसी तरह प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल को और ग्रोथ दीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट एवरीवन, तो सबसे पहले आपको अपने शैम्पू को डालना होता है अपने मग में, उसको आपको डाइल्यूट करना होता है। तो यहाँ पे मैं शैम्पू के साथ में कभी कभी एलोवेरा जेल भी मिला लेती हूँ, कभी लेमन, कभी कर्ड, ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करती हूँ मेरे बालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब टिप नंबर वन होती है, सबसे पहले तो आपको अपने बालों को पानी से अच्छे से वॉश करना है ताकि जो धूल, मिट्टी, कंकड़ और जो मतलब कि दिखने वाली गंदगी है वो साफ़ हो जाए, ठीक है। तो आपको दो तीन मग से अच्छे से अपने बालों को साफ़ करना है पहले पानी से। अब बात करते हैं टिप नंबर टू की। टिप नंबर टू ये होती है कि आपको जो आपने शैम्पू बनाया है कम से कम आधा मग बनाना है और उसको आपको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब तीन पार्ट्स में आपको उसको धुलना है। अगर आप एक ही बार में शैम्पू कर लोगे सारा तो आपका बाल अच्छे से साफ़ नहीं होगा, क्योंकि आपने पैक या ऑयलिंग कुछ ना कुछ तो की होती है और वो एक ही बार के शैम्पू से नहीं निकलता। तो बार बार यूज़ करना चाहिए, शैम्पू की एक लिमिटेड क्वांटिटी ही आपको यूज़ करना है, तो आप उसी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि आपने अभी देखा मैंने पहले पार्ट से अपने पहले ऊपर का जो मेरा हिस्सा था पूरा उसको क्लीन किया, अब मैं धीरे धीरे अंदर स्कैल्प में धीरे धीरे करके सारे अपने बालों को साफ़ करूँ, क्योंकि पहले हम लोग स्कैल्प साफ़ पहले ऊपर का ऑयलिंग साफ़ करते हैं, फिर स्कैल्प, फिर नीचे का अपना साफ़ करना होता है, यानी कि नीचे के बालों को जो कि टिप होती है उसे। तो आप देखो मैं इस तरह से आपको स्लो और स्पीड में भी और नॉर्मल जो मेरा है स्पीड वो सब कुछ दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सको एक एक कि आपको किस तरह से अपने बालों को वॉश करना है। और आपको अच्छे से जिस तरह आप तेल से मालिश करते हो ना अपने स्कैल्प की, उसी तरह से आपको अपने शैम्पू से भी एक तरह से समझिए कि स्कैल्प पे मसाज करनी है, ठीक है। इस तरह से आप फिर तीसरी बार में जितना भी बचा हुआ शैम्पू उसको आप लगाओगे तो आपके बालों में एक बहुत ही अच्छा सा झाग आएगा। जब आपके बालों में अच्छा सा झाग आए तब आप समझ जाइए कि आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। इस तरह से आपके मसाज करने से आपके बालों का जो ब्लड सर्कुलेशन है, सॉरी बालों का नहीं, हेड का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से वर्क करता है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आपको मेरी आवाज़ हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर लग रही हो। और इस तरह से फिर आपको अपने पूरे बालों में लगा करके उसको अच्छे से मतलब थोड़ा सा रब करना है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, लाइट वेटेड होते हुए आपको रब करना है। और आप देख सकते हो मेरे बालों की लेंथ, अच्छा मैंने आप दो तरह से बालों को धो सकते हो, इस तरह से आप उल्टा करके बालों को भी धो सकते हो या शावर के नीचे। अगर आप शावर के नीचे कैसे बाल धोते हो उसका वीडियो देखना तो उसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। और अगर आप मेरी हेयर स्टाइल और हेयर केयर के रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में मेरे जाके चेकआउट कर सकते हैं,
मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने बालों को साफ करने के बाद मैं एक बार फाइनली अपने बालों को अपने जो मेरा नल है उसके नीचे रखती हूँ ताकि मेरे बाल और भी अच्छे से क्लीन हो जाए। एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस, जितने अच्छे से आप अप्लाई करते हो ना शैम्पू, उतने ही अच्छे से निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि शैम्पू में होते हैं केमिकल्स। अगर आप उसे ऐसे ही रहने दोगे आपके स्कैल्प पे तो वो आपके जड़ों को नुकसान पहुंचाएगा और आपके बाल जो होते हैं वो टूटते हैं। सबसे बड़ा रीज़न वही होता है। तीसरा दूसरा रीज़न होता है जो आप रगड़ रगड़ के बाल धोते हो, हाई प्रेशर से जो मालिश करते हो, नाखूनों से स्क्रैच करते हो, ये सारे रीजन्स होते हैं हेयर फॉल के जब आप अपने बालों को वॉश करते हो। और शैम्पूज हमेशा ही नेचुरल और हर्बल चूज़ करिए। आप चाहो तो आप उसे स्विच भी कर सकते हो एक टाइम पे, लेकिन ज़्यादा स्विचिंग के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा आप अपने बालों में प्रोडक्ट लगाओगे तो वो आपके बालों को हार्म करेगा। तो यहाँ मेरा हेयर वॉश कंप्लीट है और हेयर वॉश करने के बाद मेरे बाल कुछ इस तरह से दिखते हैं जैसे कि आप देख रहे हो। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैं कंडिश्नर और सीरम वगैरह कुछ नहीं यूज़ करती हूँ, केवल मेरा DIYs और मेरा जो शैम्पू करने का स्टाइल है वो ही देखा बस आप यूज लोगों ने करती हेयर हूँ। केयर में आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आपको अपने बालों में शैम्पू को जितने अच्छे से आप अप्लाई करते हैं उतने अच्छे से आपको उसको निकालना भी होता है, जो अक्सर बहुत अच्छे अच्छे सैलॉन्स भी गलतियां कर देते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल्सो। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ में।